सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यू के Y56 डिवाइस के अंदर आप जो है डिवाइस कंट्रोल को ऑफ कैसे करेंगे, डिवाइस कंट्रोल क्या होता है, कैसे इनेबल होता है, मैं उसको बताऊंगा। एंड आपने बाय मिस्टेकली इनेबल भी कर दिया है तो आप उसे आसानी से ऑफ कर सकते हैं। हालांकि इसका मेथड थोड़ा सा लाइक अलग है लेकिन आप उसे ऑफ कर सकते हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इसे यूज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है डिवाइस कंट्रोल, हमें कैसे इसका यूज करना है, कहां पर सेटिंग से, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। गाइस फोन में डिवाइस कंट्रोल को इनेबल करने के लिए आपको कंट्रोल सेंटर में जाना होगा। ऑलरेडी हमारा डिवाइस कंट्रोल इनेबल है, इसको ऑफ करने का मैं तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसको इनेबल कैसे करते हैं। इनेबल करने के लिए एंड्रॉइड 12 और 13 का अलग अलग फीचर आता है, आपको सेटिंग्स को ओपन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आना, तो यहाँ पर आपको चले जाना अपने अबाउट फोन के अंदर, यस के अंदर आएंगे। तो अभी हमारे फोन के अंदर एंड्रॉइड 13 रन कर रहा है। एक बार आप जो है एंड्रॉइड अगर 12 रन कर रहा है आपका, तो आपको करना क्या उसको बताऊंगा। एंड्रॉइड 13 अगर रन कर रहा है तो उसमें क्या करना है उसके बताते हैं। यहाँ पर जो एंड्रॉइड 12 है या 13 है, इसको 4-5 बार इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे, आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। अगर एंड्रॉइड 12 है तो आपको इस क्लॉक को ले जाना है, 12 करना है, दोनों को एक साथ इस तरह से कर देंगे तो आपका डिवाइस कंट्रोल इनेबल करने के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर 13 आप इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको एक बजाएंगे, जैसे आप एक पे लेके जाएंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ डिवाइस कंट्रोल को आप आसानी से ऑन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना ये इस तरीके से हम ऑफ नहीं कर सकते थे, सिर्फ इनेबल कर सकते हैं। तो डिवाइस कंट्रोल आप समझे होंगे किस तरह से ऑन करना है और डिवाइस कंट्रोल के अंदर क्या मिलता है, इसको लॉन्ग प्रेस करिए। इसमें कैट कंट्रोल पर जाएंगे, इसके अंदर कुछ ऐसे नॉर्मली चीजें मिलती है, हालांकि इनका यूज नहीं होता। और आईको अपने फोनों के अंदर से इसको डिसेबल कर चुका है, इसको ऑन नहीं होता। लेकिन वीवो के अगर भी आप फीडबैक वगैरह देते हैं तो वीवो भी अपने डिवाइस में इसे बंद करेगा। लेकिन गाइस अगर आप इसको मैनुअल करते हैं इस तरीके से तो बंद नहीं कर सकते। इसका एक ही तरीका है बंद करने का, वो है फैक्ट्री डाटा रीसेट। इसके अलावा और कोई थर्ड पार्टी या कह सकते हो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम इसको बंद कर सके। तो ये मेन एक मेजर चीज है कि आप इसको जो है रीसेट करें, वो भी हार्ड रीसेट, जो फैक्ट्री डाटा रीसेट होता है उसको करें। और किसी तरीके से हम इसको बंद नहीं कर सकते। इसमें जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होगी वो अपने डाटा की होगी। अगर आपको आपके फोन में डाटा उतना नहीं है तो आसानी से आप इसको रिस्टोर करके इस डिवाइस कंट्रोल को बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना आगे इसको चालू भी मत करना, वैसे चालू नहीं होगा, जो मेथड बताया हूं उसी तरीके से आप इसको चालू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं गाइस समझे होंगे डिवाइस कंट्रोल क्या है, कैसे यूज करना है, क्या आप इसको बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।